नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करते चलें कि इदारा तरक्यात कराची में डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह के अहकाम पर मोहम्मद रजा कासमानी को सीनियर डायरेक्टर लैंड के अहदे पर तैनात कर दिया गया है, जबकि नवीद अहमद सिद्दीकी को मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर के हवाले से। आपको आगाह करते चलें कि इदारा तरक्यात कराची में डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह के अहकाम पर मोहम्मद रजा कायम खानी को सीनियर डायरेक्टर लैंड के अहदे पर तैनात कर दिया गया है, जबकि नवीद अहमद सिद्दीकी को मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अहम तरीन खबर के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अब तक की अहम तरीन खबर के हवाले से खबर यह है, अपने नाज़रीन को बताएं कि मोहम्मद रजा कायम खानी को सीनियर डायरेक्टर बना दिया गया है। यहाँ अपने नाज़रीन को अहम खबर बताएं कि इदारा तरक्यात कराची में डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह के अहकाम पर मोहम्मद रजा कायम खानी को सीनियर डायरेक्टर लैंड के अहदे पर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमने राबता किया है नुमाइंदा K21 न्यूज़ शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी इदारा तरक्यात कराची, जी इदारा तरक्यात कराची डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह के अहकाम पर मोहम्मद रजा कायम खानी को सीनियर डायरेक्टर लैंड के अहदे पर फाइज कर दिया गया, जबकि मौजूदा डायरेक्टर रिकवरी नवेद अनवर सिद्दीकी का शुमार सीनियर अफसरान में होता है। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का इजाफी चार्ज भी इनको दे दिया गया। गुज़श्ता माह ये अहदे खाली थे और इनकी वजह से आने वाले साइलिन को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना था। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया शहजाद अली।